को किड्स टून। प्यारे बच्चों, कभी कभी खेल खेल में कुछ ऐसा हो जाता है कि जो बाद में हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। आज की हमारी कहानी खेल खेल में हुई एक ऐसी ही गलती की कहानी है। ढोलकपुर गांव में एक प्यारी बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। वो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। घर वाले ही नहीं, पूरे गांव वाले उसे प्यार से मुन्नी कहते थे। एक दिन की बात है, ठंडे ठंडे पानी से नहाकर आई मुन्नी घर के आंगन में खुले बाल लिए लेटी अपने बाल सूखने का इंतजार कर रही थी। लेटे लेटे उसे झपकी आ गई। तभी वहां एक नागिन का बच्चा टहलते हुए आया और उसके खुले हुए फैले बालों में घुस गया। उसके गीले बालों में उसे इतनी ठंडक मिली कि उसे भी नींद आ गई। कुछ देर बाद मुन्नी की माँ ने आकर मुन्नी को उठाया। मुन्नी, ए मुन्नी, उठ, खुले बाल लेकर पड़ी है, ला चोटी कर दू। मुन्नी चल ना, कितनी देर से हम तेरी राह देख रहे थे। क्यों, भूल गई? आज हमारे गुड्डा गुड्डी की शादी है। अरे हाँ, चल चल। अरे नाश्ता तो कर जा, मैं गुड्डा गुड्डी की शादी में खा लूंगी। उसके बाद मुन्नी अपनी सहेली और एक दो और दोस्तों के साथ गुड्डा गुड्डी की शादी का खेल खेलने लगी। खेल खेलते हुए शादी में सात फेरों की बात आते ही वो अपनी गुड्डी को उठाकर सात फेरे लेने लगी। उसके साथ साथ उसके बालों में बंधे सांप के बच्चे के भी सात फेरे हो गए। चलो, गुड्डा गुड्डी का विवाह संपन्न हुआ। आज से ये दोनों पति पत्नी हुए। मुन्नी, अब तुम अपनी गुड्डी कमला को दे दो। क्यों? अरे क्योंकि शादी हो गई है। अब शादी के बाद लड़की अपना घर छोड़कर पति के घर जाती है। आज से पति ही उसका सब कुछ है। ऐसा क्यों? पति ही सब कुछ है, मैं क्यों नहीं? मुझे तो इतना ही पता है, बाकी बातें जाकर अपनी माँ से पूछो। मुन्नी जब घर पहुंची तो उसके पूछने पर माँ ने उसे बताया। पति क्या होता है? पति वो होता है जिसके साथ हम सात फेरे लेते हैं। सात फेरे लेने के बाद पत्नी का पूरी तरह ख्याल रखना, उसे जरा भी नुकसान न पहुंचने देना पति की जिम्मेदारी होती है। मुन्नी के बालों में बंधे नाग के बच्चे ने ये बात सुनी। नाग के बच्चे ने भी अपनी नागिन माँ से जाकर यही बात पूछी तो नागिन माँ ने भी वही बताया जो मुन्नी की माँ ने बताया था। तब नाग के बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई। मैंने भी मुन्नी के साथ साथ फेरे लिए थे, तब तो मुन्नी मेरी पत्नी हो गई। हाथ से उसका ख्याल रखना, उसे जरा भी नुकसान ना होने देना मेरा फर्ज है। और उस दिन से वो हर वक्त मुन्नी के आगे पीछे घूमता रहता। मुन्नी जहाँ भी जाती वो उसके पीछे पीछे पहुँच जाता, और अगर कोई उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता। ये मुन्नी, दिखा मेरे बाग के आम बीन कर भाग रही है। नहीं, ये मेरे बाग के आम है। झूठ बोल रही है। नहीं, ये सच कह रही है, ये इसी के बाग के आम है। चुप रह, तुझे जाना है तो जा। मुन्नी को तो तभी जाने दूंगा जब ये मुझे आधे आम देकर जाएगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे दे, कैसे नहीं देगी? सब 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 बचाओ बचाओ। माफ कर दो मुन्नी, माफ कर दो, गलती हो गई। ठीक है जाओ। अरे देखा तूने, इस सांप ने कैसे तेरी रक्षा की? तेरा दोस्त है क्या? मेरा दोस्त कैसे हो सकता है, बाय चांस ही आ गया होगा। उस दिन तो मुन्नी को लगा कि ये बाय चांस ही आ गया होगा, मगर उस दिन के बाद कुछ कई जगह उसे वो नाग बच्चा दिखाई दिया तो उसकी समझ में आ गया कि ये तो उसका दोस्त है, हर जगह उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। ये बात उसने कमला को भी बताई।
कमला ने उसे कहा, किसी और को ना बताए वरना कोई भी इस बात का फायदा उठाकर उसे पकड़ सकता है। पर उन दोनों बच्चियों की समझ में ये नहीं आया था कि आखिर ये मुन्नी के आगे पीछे क्यों घूमता रहता है। नाग बच्चा जब जब उनके ये सवाल सुनता, फुफकार कर कहना चाहता कि वो उसके आगे पीछे क्यों घूमता है, क्योंकि वो उसका पति है। मगर ना मुन्नी की समझ में कुछ आता, ना नाग बच्चा उन्हें समझा पाता। खैर, ये बात उनके बचपने में तो छिपी रह गई, मगर मुसीबत तब हुई जब मुन्नी ने जवानी में कदम रखा और एक दिन उसकी शादी के लिए कुछ लोग उसे देखने आए। वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। शर्मा क्यों रही हो, अब तो हमेशा के लिए तुम्हें मेरे घर आ जाना है। अब ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि मुन्नी के पीछे कोई नाग लगा है। बचपन में उससे आम छिनने वाला टपोरी लड़का, उसकी सहेली कमला और फिर शादी के दिन देखने आए लड़के का परिवार, खुद मुन्नी का परिवार भी इस बात का साक्षी हो जाता है कि नाग ने उनमें से किसी को भी कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़के की फैमिली के पीछे भागा और उन्हें गांव की सरहद के बाहर तक खदेड़ के आया। अगर ऐसा ही रहा तो मुन्नी की कभी शादी नहीं होगी। उसके बाद भी जब कई बार उन्हें मुन्नी के पीछे नाग के होने का एहसास हुआ, तो मुन्नी के माँ बाप ने नाग से छुटकारा पाने के लिए एक सपेरे को बुलाया। कौन है तू? क्यों पीछे पड़ा है हमारी बच्ची के? घबराओ मत, ये कुछ कहना चाहता है। बोलो, क्यों पीछे पड़ा है हमारी बच्ची के? पति? तू किसका पति है? कैसे? ये शादी नहीं, बच्चों का खेल था। तू जबरदस्ती सात फेरे ले लेगा तो ये शादी नहीं कहलाएगी। चुपचाप चला जा यहां से। तू ऐसे नहीं छोड़ेगा हमारी बच्ची को। घबराओ मत, ये इस नाग की फैमिली है। समझाओ अपने बच्चे को, वरना उसे पकड़कर टोकरी में डालकर उसका वो हश्र करूंगा कि इंसानों की परछाई से भी दूर भागेगा। बाय बाय। अब आप अपनी मुन्नी की शादी कहीं भी करवा सकते हैं, अब ये नाग इसके पीछे कभी नहीं आएगा। और इस तरह जरा सी गलती से अपने आप को एक लड़की का पति मान बैठा नाग उसका पीछा छोड़कर चला जाता है। मुन्नी की शादी हो जाती है, वो भी सुखी जीवन जीने लगती है। वो आज भी अपने बच्चों को यही कहानी सुनाती है कि इंसान को हर पल हर जगह चौकन्ना रहना चाहिए। पता नहीं जाने अनजाने कब क्या गलती हो जाए जो आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन जाए।